चतुर इंस्पेक्टर। बाजार में शंभू तेली का एक तेल का दुकान है। शंभू बहुत कंजूस किस्म का इंसान था। वो किसी को एक रुपए भी उधार नहीं देता। अरे शंभू, 3 लीटर तेल देना। अभी देता हूँ। शंभू 3 लीटर तेल नापता है। 440 रुपये हो गए हैं। मेरे पास अभी तो इतने पैसे नहीं हैं। तुझे 2 दिन में देता हूँ। चाचा, मैंने इतने बड़े बोर्ड पे लिखा है, आज नगद कल उधार। आपने बोर्ड नहीं देखा? अरे शंभू, रोज देखता हूँ। मैं तो तेरे यहाँ रोज का ग्राहक हूं ना। बात ये नहीं है, आपको देख के और भी लोग उधारी पे तेल लेने आएंगे। आखिर मुझे भी तो तेल लेना होता है, वो भी नगद। जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं तेल कैसे लाऊंगा? बस 440 रुपये तो हैं, इसमें इतना क्यों सोचना? नहीं नहीं चाचा, ये आपकी भूल है। 440 रुपये कब 4000 बन जाएं किसी को नहीं पता। आप पैसे दो और तेल लेकर जाओ। शंभू बेटा, घर में मेहमान आए हैं, समझा कर भाई। नहीं नहीं चाचा, उधारी तो नहीं दूंगा। चाचा ने बहुत गुजारिश की, फिर भी शंभू तेली अपनी बात पे अड़ा रहा। आखिरकार चाचा वहां से चले गए। छी छी, पता नहीं लोग सुबह सुबह उधारी कैसे मांगने आ जाते हैं। कुछ देर बाद दूसरा ग्राहक आता है। भाई साहब, तेल दो। शंभू तेली पैसे एकदम तेल से सने हुए देता है। अरे ये क्या कर रहे हो? सिक्के घिस घिस के क्यों दे रहे हो? एक सिक्का दूसरे सिक्के में चिपक जाता है तेल से, इसलिए उन्हें देख कर देता हूँ। एक सिक्के की तो बात है, मैं 1 पैसे भी किसी को ज्यादा नहीं देता हूँ। बड़े कंजूस देखे हैं, पर तुम जैसा कंजूस नहीं देखा है। दोपहर की गर्मी में घूमकर राखी शंभू की दुकान के बाहर आकर बैठ गई। बाप रे बाप, इतनी गर्मी में तो इंसान जल के खाक हो गए। क्यों तेली? देख, तुझे 10 बार बोला है, मुझे तेली मत बोला कर, मेरा नाम शंभू है। अरे गुस्सा क्यों होता है? मस्ती कर रही थी। और बता, धंधा पानी कैसा चल रहा है? बस ऊपर वाले की कृपा है। तू बता, तेरी सब्जियां कैसी बिक रही है? बहुत बढ़िया। लगता है कुछ महीनों में मैं भी दुकान खरीद लूंगी तेरी तरह। बहुत गर्मी है, थोड़ा पानी तो पिला दे। हाँ क्यों नहीं, अभी लेके आता हूँ। शंभू दुकान के अंदर जाता है पानी लेने, और जैसे ही वो बाहर आता है तो देखता है राखी उसके पैसे की पोटली निकालकर पैसे गिन रही है। राखी, ये तू क्या कर रही है? ये मेरे पैसे की पोटली है, तूने इसको हाथ कैसे लगाया? क्या, ये मेरे पैसे की पोटली है? झूठी, ये मेरे पैसे हैं, मुझे मेरी पोटली वापस दे। ये कौन सी दादागिरी है? ये मेरे मेहनत के पैसे हैं। हर दिन धूप में घूम घूम कर घर घर जाकर सब्जियां बेचती हूँ, तब जाके पैसे कमाती हूँ। तेरी तरह नहीं हूँ, तेल में मिलावट करके हराम के पैसे कमाऊ। अगर तू लड़की नहीं होती ना तो तुझे बताता। लड़की हूँ इसलिए मेरे मेहनत के पैसे को तू अपना कह रहा है? देखो देखो, अरे आओ सब लोग, देखो ये मेरे पैसे लूटने की कोशिश कर रहा है। बाजार में लोग धीरे धीरे करके जमा हो रहे थे। राखी कहती है कि मेरे पैसे हैं, शंभू कहता है कि पैसे उसके हैं। कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। लोगों की बढ़ती भीड़ देखकर वहां एक इंस्पेक्टर आ जाता है। हेलो, क्या चल रहा है यहाँ पे? देखिए ना इंस्पेक्टर साहब, मेरे पैसे को ये तेली अपना पैसा बोल रहा है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे पैसे हैं और ये अपना पैसा बता रही है। क्या, ठीक है ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। इंस्पेक्टर सबको समझाते हुए, आप लोग भी अपने अपने घर जाइए, यहाँ तमाशा थोड़ी हो रहा है। और आप दोनों एक एक करके अपनी बातें बताइए। पहले मैडम, आप बताइए। जी जनाब।
राखी अपनी कहानी सुनाती है कि कुछ देर पहले वो तेली की दुकान के पास आई। बाप रे बाप, ऐसी गर्मी में तो इंसान जल के खाक हो जाए। क्यों तेली? देख, मैंने तुझे 10 बार बोला है, मुझे तेली मत बोला कर, मेरा नाम शंभू है। अरे गुस्सा क्यों करता है, मैं तो मस्ती कर रही हूँ। और बता, कैसा चल रहा है धंधा पानी? बस ऊपर वाले की कृपा है। तेरा कैसा चल रहा है सब्जी का? बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है कि कुछ महीनों में मैं भी सब्जी की दुकान डाल दूंगी तेरी तरह। थोड़ा पानी पिलाएगा? हाँ आया। फिर साहब, मैं अपनी पैसे की पोटली निकाल के पैसे गिनने लगी और शंभू ने मेरे पैसे देखे और ये मक्कार मेरे पैसे को अपना पैसा बोल रहा है। ये झूठ है साहब, ये लड़की झूठ बोल रही है। अरे रे चुप करो, अब आपकी बारी है, बताइए अब। हमेशा की तरह मैं अपने पोटली के पैसे गिन रहा था, तभी राखी आई। शंभू भी वही कहानी सुनाता है। बाप रे बाप, ऐसी गर्मी में तो इंसान जल के खाक हो जाए। क्यों तेली? देख, तुझे मैंने 10 बार बोला है, मुझे तेली मत बोला कर, मेरा नाम शंभू है। अरे गुस्सा क्यों करता है, मैं तो मस्ती कर रही हूँ। और बता, कैसा चल रहा है धंधा पानी? बस ऊपर वाले की कृपा है। तेरा कैसा चल रहा है सब्जियों का धंधा? बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा है कि कुछ महीनों में मैं भी अपनी सब्जियों की दुकान डाल दूंगी तेरी तरह। थोड़ा पानी पिलाएगा? और साहब, मैं इसके लिए पानी लाने गया था, जब आके देखा तो ये मेरे पैसे की पोटली लेके पैसे गिन रही थी। इसने मेरे पैसों की पोटली चुरा ली साहब। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं चोर नहीं हूँ। इस हफ्ते मेरी सब्जियों की बिक्री बहुत ज्यादा हुई थी, इसीलिए आज मेरे पास इतने पैसे थे। मैं 1-1 रुपए जोड़ के खुद का दुकान डालने की सोच रही थी। शंभू और राखी की बातें सुनकर इंस्पेक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है। काफी समय सोचने के बाद इंस्पेक्टर को एक तरकीब सूझी। एक तरकीब है सच्चाई बाहर लाने की, एक कटोरी में पानी भर कर लाओ। शंभू एक कटोरे में पानी भर के लाता है। अब मुझे वो पैसे की पोटली दो। इंस्पेक्टर पोटली में से कुछ नोट निकाल लेता है और सारे सिक्के पानी में डाल देता है। कुछ देर बाद पानी के ऊपर तेल आ जाता है और सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। ये पैसे की पोटली शंभू तेली की है। पर इंस्पेक्टर साहब, कैसे? ये मेरे मेहनत की कमाई है। शंभू तेल का काम करता है, जिसकी वजह से शंभू के हाथों में भी तेल लगा होता है। उसी तेल के हाथों से शंभू पैसे का लेन देन भी करता है, और तेल पैसे की पोटली में भी लगता है और पैसों में भी। पानी में पैसे डालते ही पैसे पे लगा हुआ तेल पानी के ऊपर आ गया। शंभू सच बोल रहा है और तुम झूठ। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब, आपने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ए सब्जी वाली, तेरा झूठ पकड़ा गया। औरत होने का फायदा उठा रही थी, तेरी बात में आकर लोग शंभू को ही दोषी ठहराते। तू बहुत शातिर है, अब तेरे जेल जाने का समय आ गया है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे जेल नहीं जाना। ज्यादा पैसे देखकर लालची हो गई थी मैं, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, शंभू से मांगो। माफ कर दे शंभू, अब से कभी ऐसा नहीं करूंगी। तूने चोरी की है, तुझे सजा मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं अकेले घर चलती हूँ, मैं जेल जाऊंगी तो मेरा घर कैसे चलेगा? ये सब चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। तेरे जैसे शातिर चोर को अगर माफ कर दिया तो वो दोबारा किसी और को लूटेगा ही। चल मेरे साथ। इंस्पेक्टर की चतुराई से सच का पता चल गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इंस्पेक्टर राखी को हवालात ले गया और शंभू को अपने मेहनत की कमाई वापस मिल गई और बाजार में इंस्पेक्टर का नाम मशहूर हो गया।
और अब से वो चतुर इंस्पेक्टर के नाम से जाने जाते हैं। श्री श्री रामराज सिंह एक महान राजा थे। उनके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। कहा जाता है कि वो बहुत ही दयालु थे और किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटते थे। राजा की एक राजकुमारी थी बरखा। राजा राजकुमारी बरखा को लेकर कुछ समय से बहुत चिंतित थे। क्षमा चाहता हूँ महाराज जी, किंतु आप इतनी चिंता में क्यों हैं? राजकुमारी बरखा जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है, उनकी जिद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमें डर है कि आगे चलकर प्रजा का क्या होगा। हाँ महाराज, राजकुमारी बरखा की जिद काफी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। आज भी उन्होंने हमारे सिपाहियों को बेरहमी से घायल कर दिया। हमें पता है, हमने अपनी आंखों से देखा है। ये लो सोने की अशर्फियां, उन सिपाहियों को दे देना। हम और क्या ही कर सकते हैं। तभी सैनिकों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। महाराज सुनते ही उस दिशा की ओर दौड़े। राजकुमारी ऐसा मत कीजिए, अगर आपका निशाना चूका तो मेरी जान भी जा सकती है। हमारे दादा परदादा निशानेबाज थे, तो हम भी निशानेबाज ही होंगे। तुम चिंता मत करो, अगर हमारा निशाना चूका तो तुम मरोगे नहीं, बस तुम्हारी एक आंख फूट जाएगी। भगवान के लिए हम पे रहम कीजिए, हमें कुछ हो जाएगा तो हमारी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। सैनिक के माथे से पसीना टपक रहा था। राजकुमारी तीर छोड़ने ही वाली होती है कि तभी महाराज आ जाते हैं। राजकुमारी रुकिए। पिताजी, आपने हमें क्यों रोका? इस बार हमारा निशाना नहीं चूकता। सैनिक तुम जा सकते हो। शुक्रिया महाराज। राजकुमारी अब आप बड़ी हो गई हैं, किंतु आपकी जिद बच्चों की तरह है। अगर उस सैनिक को कुछ हो जाता तो हम दूसरे सैनिक को लाकर खड़ा करते। कई हजार सैनिक हैं हमारे राजमहल में। राजकुमारी, इस तरह राज्य नहीं चलता। आप पे जिम्मेदारी है, हर एक सैनिक की रक्षा करना आपका दायित्व है, किंतु आप ही उन्हें नुकसान पहुंचा रही हैं। पिताजी, हमें भी तीरंदाज बनना है, हमारे दादा परदादा की तरह। तीरंदाज बनने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, कोई भी रातों रात तीरंदाज नहीं बनता। जी राजकुमारी, हमारी शरबत कहाँ है? जी अभी लाती हूँ। राजकुमारी महाराज से रूठ के अपने कमरे में चली गई। 3 घंटे हो गए महाराज, लगता है राजकुमारी क्रोधित हैं। हाँ, हमने राजकुमारी से कहीं कुछ ज्यादा ना बोल दिया हो। महाराज राजकुमारी को मनाने उनके कमरे में आए। राजकुमारी महाराज से रूठी थी। आप यहाँ से चले जाइए, हमें आपसे बात नहीं करनी है। हमारी राजकुमारी अपने पिता से बात नहीं करेगी? हाँ, बात नहीं करेंगे। किंतु क्यों? पिताजी, आप मेरी बात नहीं मानते हैं इसलिए। मानेंगे, पर एक शर्त है कि आपको किसी भी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचाना है। कहीं आप मुकर गए तो? ये महाराज का वादा है, नहीं मुकरेंगे। हमें शिकार पर जाना है, जंगल के बीच में। पिताजी, आप मुकर नहीं सकते हैं, आपने वादा किया है। हमें सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। चिंतित महाराज अपने कक्ष में आ गए। उन्होंने मंत्री को सारी बात बताई। महाराज, राजकुमारी के साथ हमारे 2 होनहार सिपाही भी जाएंगे। राजकुमारी को कुछ नहीं होगा। आज नहीं तो कल राजकुमारी को शिकार पे जाना ही होगा, तो आज ही सही। ठीक है, आप अपने 2 सिपाहियों को तैयार कीजिए। कल सूर्योदय होते ही राजकुमारी शिकार पे जाएगी। अगली सुबह 2 सिपाहियों के साथ राजकुमारी जंगल में शिकार करने निकल गई। राजकुमारी घोड़े पर सवार थी। दोनों सिपाही राजकुमारी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। जल्दी ही वो लोग जंगल के अंदर पहुंच गए। तुम दोनों हमारे पीछे क्यों चल रहे हो? हमारे साथ चलो। राजकुमारी, आप घोड़ा धीमा चलाइए, हम पीछे 4 घंटे से दौड़ ही रहे हैं। तुम? हम? नहीं, तुम। हम? जाओ, हमारे लिए ताजे फल लेकर आओ। राजकुमारी जी, राजमहल से हम फल लेकर आए हैं। किंतु हमें जंगल के ताजे फल खाने हैं, जाओ लेकर आओ। जी राजकुमारी। राजकुमारी जंगल में भी सैनिकों को परेशान कर रही थी। और तुम हमारे लिए पीने का पानी लेकर आओ।
राजकुमारी, हम पानी साथ लेकर चले थे, ये लीजिए। अब जाओ हमारे लिए पीने का पानी लेकर आओ, जबान कम चलाओ और काम ज्यादा करो। राजकुमारी के पास अब कोई सैनिक नहीं था। राजकुमारी जंगल में अकेली थी और जंगल को देख रही थी। पेड़ के ऊपर से एक सांप नीचे गिरा। सांप को देखकर घोड़ा डर के दूसरी दिशा में भागने लगा। राजकुमारी घोड़े का लगाम खींच रही थी, पर घोड़ा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बचाओ मुझे, ये घोड़ा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, कोई है? कुछ दूर जाने के बाद घोड़ा अपने आप रुक जाता है। जंगल में अचानक से शांति हो जाती है। ये जंगल में इतनी शांति क्यों हो गई? तभी शेर सामने से आता है। शेर की गुर्राहट सुन के घोड़ा पीछे जाने लगता है। राजकुमारी अपने तीर कमान से शेर पे निशाना लगाती है। एक भी तीर शेर को नहीं लगता है। धीरे धीरे शेर पास आ रहा है। घोड़ा बेकाबू होकर अपने दो टांगों पर खड़ा हो गया और राजकुमारी पीछे गिर जाती है। बचाओ मुझे, सिपाही, सिपाही! इतने पास शेर को देखकर राजकुमारी से तीर कमान चल ही नहीं पा रहा था। उनके हाथ कांप रहे थे। शेर जैसे ही राजकुमारी पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी राजकुमारी के पीछे से कोई शेर को तीर मारता है। उसका निशाना इतना पक्का था कि शेर वहीं ढेर हो गया। हम जिंदा हैं, शुक्रिया भगवान हमें बचाने के लिए। शुक्रिया भगवान का मत करो, मेरा करो, मैंने तुम्हें बचाया है। तुम कौन हो? मेरा नाम हीरा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहीं रहता हूँ, ये जंगल ही मेरा घर है। और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं राजकुमारी हूँ, श्री रामराज सिंह की बेटी। पिताजी से कहकर तुम्हारी खाल उधेड़वा दूंगी। तुम्हारी जान बचाने का ये अच्छा उपहार मिलेगा मुझे, अच्छा होता तुम्हें शेर खा जाता। राजकुमारी चुप हो जाती है। तीर कमान चलाने क्या आ गया, खुद को निशानेबाज समझ बैठी और जंगल में शिकार करने आ गई। मेरे साथ चलो, अंधेरा होने से पहले गुफा तक पहुंचना होगा। मेरे सिपाही आते ही होंगे, मैं यहीं रहूंगी। राजकुमारी जी, ये आपका महल नहीं है, ज्यादा समय रुकोगे तो जंगली जानवर खा जाएंगे। मैं तो जाता हूँ, आप अपना देख लीजिए। राजकुमारी वहीं खड़ी रहती है। हीरा जाते जाते शेर की आवाज निकालता है। राजकुमारी डर जाती है। रुको, मैं भी आती हूँ। राजकुमारी और हीरा गुफा में पहुंचे। क्या तुम यहाँ रहते हो? छी, कितनी गंदी जगह है ये। राजकुमारी जी, आपकी तरह मेरे पास राजमहल नहीं है और मुझे जरूरत भी नहीं, मैं इस छोटी सी गुफा में ही खुश हूँ। तुम्हारा परिवार कहाँ है? हीरा आग पर खाना बनाने के लिए चढ़ा देता है। 4 साल पहले किसी ने रात के समय मेरे घर में आग लगा दी, मेरा सारा परिवार जल गया, बस मैं बच गया। तभी से मैं जंगलों में रहता हूँ, इंसानों से दूर। उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? पता नहीं, खिचड़ी बन गई। हीरा ने राजकुमारी को पत्ते पर खिचड़ी परोसी। ये क्या है? मैं ये सब नहीं खाती हूँ। खाना है तो खाओ, यहाँ राजमहल जैसा 56 भोग तो नहीं मिलेगा, जो भी है यही है बस। हीरा खाना खाकर सो गया। हीरा ने राजकुमारी का खाना ढक कर रखा था। राजकुमारी भूख के मारे करवटे बदल रही थी। अब तो पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं, थोड़ा सा खा लेती हूँ। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। राजकुमारी खिचड़ी पूरा खा लेती है। राजकुमारी को खाता हुआ देखकर हीरा चुपचाप हंस रहा था। अगली सुबह राजकुमारी हीरा के साथ चलते हुए जंगल में अपने सिपाहियों को ढूंढने लगी। पता है, मेरे राजमहल में मेरी बहुत इज्जत है, कोई भी मुझे उल्टा नहीं बोल सकता, सबको मुझसे बहुत प्यार है। और मेरे सैनिक, वो तो कल से ही मुझे ढूंढ रहे होंगे, खुद अपनी आंखों से देख लेना।
लगता है कोई झाड़ियों के पीछे है। राजकुमारी और हीरा झाड़ियों के पीछे से देखते हैं। झाड़ियों के पीछे वही दो सैनिक बातें कर रहे थे। वाह, आज की रात जंगल में बहुत अच्छी बीती। राजकुमारी की बेफिजूल जिद से आजादी। अच्छा होगा अगर राजकुमारी को शेर या कोई और जंगली जानवर खा जाए। वैसे भी वो लड़की सिर्फ परेशानी है, सारा राजमहल उसे कोसता रहता है, मर जाए वो। राजकुमारी उदास है। देखा सिपाही क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में। इसमें गलती तुम्हारी है। तुम इंसान हो तो इंसानों की कदर किया करो। घमंड से सिर्फ नफरत मिलती है राजकुमारी, इज्जत नहीं। पर राजकुमारी, लोग तुम्हारी बात सुनते हैं क्योंकि तुम्हारे पिता राजा हैं। तुम्हारी खुद की कोई पहचान नहीं है। पहले पहचान बनाओ फिर घमंड करना। मैं चलता हूं। राजकुमारी का सारा घमंड चूर चूर हो गया। तुम हमारे साथ राजमहल चलो, हमारे पिताजी तुम्हारा सम्मान करेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी जगह कोई दूसरा भी होता तो मैं उसकी मदद करता। मैं अपने जंगलों में खुश हूँ, मैं चलता हूँ। हीरा की बातें सुनने के बाद राजकुमारी बदल गई। उन्होंने सैनिकों पर जरा भी रौब नहीं दिखाया। राजकुमारी जब राजमहल लौटी तो वो बदली हुई थी। महाराज और पूरे राजमहल को बदली हुई राजकुमारी बहुत पसंद आई। अब राजकुमारी हर किसी की इज्जत करती थी, इसीलिए लोग भी उनकी दिल से इज्जत करने लगे और उन्हें प्यार भी करने लगे।